हाय फ्रेंड, मैरी क्रिसमस। मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ डिलीशियस किचन बाय सुरभि में। आप जानती हैं क्रिसमस आ गया है और क्रिसमस पे केक सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो केक बनाते हैं और फिर बनाएंगे चॉकलेट्स। तो एंजॉय कीजिए केक, चॉकलेट्स और मैरी क्रिसमस। सो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं प्लम केक। नंदिनी का हमने प्रीमिक्स प्लम केक ले लिया है। ये हर जगह अमेजोन पे, सब जगह फ्लिपकार्ट पे, बिग बास्केट पे, हर जगह हर ब्रांड के प्रीमिक्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है तो आप प्रीमिक्स मंगा के और उसमें कुछ जो सामग्री है वो घर से मिला के हम बहुत बढ़िया केक घर पर ही बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये दो मग मैं ले रही हूँ, ये अपना प्रीमिक्स प्लम केक का। ये देखें, ये दो मग लेना है मुझे, जो ये जो मेजरिंग मग आते हैं उसके मैं पूरे दो मग ले रही हूँ। बड़ा इजी है। और इसके साथ ही मुझे इसमें लेना है 3/4 कप वाटर। ये देखें, ये 3/4 कप मैं ले रही हूँ वाटर, और इसमें हमें लेना है 3/4 कप ही ऑयल। पहले आप 1/2 कप डालें और उसके बाद ये डाल दें, और उसके बाद अगर इसे जरूरत पड़ती है फिर हम इसमें और डालेंगे। इसे हल्का सा धीरे मिक्स कर लें, फिर हम इसको अपने मिक्स करने केक मिक्सर से इसको मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड, 1/2 कप ऑयल हमने ऑलरेडी डाल दिया था और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल मैं इसमें और डाल रही हूँ। तो ये हमारा जो ऑयल का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये एग बीटर है इससे मैं इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लूंगी। तो इससे ये होगा कि ये बढ़िया से फ्लफी हो जाएगा अच्छे से हाई पर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लें बढ़िया से इस तरीके से। तो ये बढ़िया एकदम लाइट वेट और हल्का हो जाएगा, तो इससे ये फूलेगा बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी बेरीज। ये देखें, ये कैन बेरी है वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये प्लम केक बना रहे हैं तो आप फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो इसमें डाल रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स, ये है ब्लूबेरीज, और साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़े से अखरोट। ये लीजिए, ये सब मैंने डाल दिए हैं और थोड़े से मैं ऊपर बचा लूंगी जो ऊपर से प्रिंकल करूंगी। तो कुछ कुछ मैंने बचा लिए हैं, बाकी के सबको मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से हल्का सा मिला लेंगे। और आप ये देख सकते हैं, ये मैं इसे गैस पे बना रही हूँ। ये देखें, मैं इसे गैस पे बना रही हूँ। मैंने ऑलरेडी अपना जो तवा है उसको रख दिया है, उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है, और ये मैंने ले लिया है केक का ये जो जार है वो 1 लीटर का है। इसके अंदर हमने बटर पेपर लगा के ऑयल लगा दिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी जिससे ये बढ़िया से गर्म हो जाएगा। ये देखें, इसको ऑलरेडी 10 मिनट पहले आप रख दें जिससे ये प्री हीट हो जाएगा, और जो हमने ये मिक्स रेडी किया था ना प्लम केक का वो हम आप इसमें डाल देंगे। तो ये देखें, ये मैं इसमें पूरा जो अपना मिक्स था वो डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया है और हल्के से मैं इसमें ये चला दूंगी अपना ब्रश, तो जो इसमें बबल्स होंगे वो हट जाएंगे। ये देखें, इसको थोड़ा 1-2 बार अच्छे से इस तरीके से डैप कर दें, और जो हमारा बाकी का चॉकलेट था वो हम इसमें डाल देंगे, और ऊपर से जो हमने अखरोट और जो अपने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो मैं इसको ऊपर से डाल दूंगी। तो ये डेकोरेशन हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे हम कर देंगे बंद। सो फ्रेंड, अब इसको मैं कर दूंगी कवर, और इसकी जो फ्लेम है उसको हम कर देंगे एकदम धीमी गैस कर देंगे, जो आपकी
छोटी वाली गैस है उसको धीमी कर देंगे और इसको एक बड़े बर्तन से कर देंगे कवर। ये देखें ये बहुत हैवी है और हमें हैवी ही चाहिए। अगर आपका बर्तन ऊपर का लाइट वेट है तो इसके ऊपर फिर आप कुछ रख दें। तो इस तरीके से आप इसको रखिए और ऊपर से इसको इस तरीके से वजन रख दें इसके ऊपर और इसको कम से कम आप 35 मिनट के लिए धीमी आंच पर बनने दें। सो फ्रेंड ये देखें हमारा जो प्लम केक हमने बनने रखा था वो एक बार मैंने बीच में देखा था लगभग 40 मिनट में तो ये नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने उसे वापस रख दिया था तो अभी लगभग 55 मिनट हो गए हैं। तो इसे मैं वापस चेक कर लेती हूँ। तो एक बार इसे हम और चेक करेंगे। तो ये देखें हमारा जो स्टिक है बिल्कुल क्लियर होके आ रही है, इसका मतलब यह हमारा केक हो गया है बिल्कुल रेडी। तो इसे हमें 55 मिनट लग गए हैं ऑलमोस्ट बनने में ये देखें। और जो केक की साइड्स है चारों तरफ से बहुत बढ़िया से छोड़ दी है, आप देख सकते हैं केक को। और ये केक बहुत ही बेहतरीन बना है। अभी ये ठंडा होने के बाद हम इसे करेंगे डीमोल्ड। इसको हम करेंगे डीमोल्ड। तो इसमें मैंने ये क्रीम अभी लगा दी थी, अभी मैं इसको निकाल देती हूँ। ये मैंने इसलिए लगाई थी कि जो हमारा केक है वो ऊपर से सॉफ्ट रहे, ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो वो हार्ड हो सकता है। तो ये मैंने इसमें पन्नी लगा दी थी और अभी इसको एक नाइफ को मैं चारों तरफ अच्छे से राउंड राउंड कर लूँगी तो ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। सो फ्रेंड ये चारों तरफ से मैंने नाइफ से इसको अच्छे से इसे चारों तरफ नाइफ को घुमा दिया है और अब इसे मैं नीचे हाथ लगा के और ऐसे आसानी से निकालूंगी। ये देखें बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से निकल गया है और बहुत ही डिलीशियस हमारा केक बना है। बहुत बढ़िया इसका स्पंज आया है। तो इसे जो हमने नीचे बटर पेपर लगाया था उसे भी हम निकाल लेंगे। ये देखें ये भी बहुत आसानी से निकल गया है और इसको नीचे रख देंगे प्लेट में और इसको आप काट के देखेंगे ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बना है। इसे बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और पूरी फैमिली खुश हो जाएगी। और क्रिसमस मनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरा केक पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी जल्दी से ये केक बन गया, फटाफट बन गया और बहुत ही टेस्टी बना है।